हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, इवेल्युएट एंड इवेल्युएट। ये टॉपिक जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का है और ये अगर जो विद्यार्थी बीएससी मैथ ऑनर्स हैं या एमएससी हैं तो उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये अनेक कंपटीशन में आते हैं, जैसे नेट, गेट या आईआईटी एग्जाम, इस तरह से अनेकानेक कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछते हैं। तो इस टॉपिक को थोड़ा हम डिटेल से जानकारी देते हैं कि ये टॉपिक क्या क्या है, इस कंडीशन में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे इवेल्युएट और इवेल्युएट का टर्म बनेगा। क्लियर? थोड़ा सा देखते हैं इसका डिफिनेशन वाइज, पूरा इंट्रोडक्शन के साथ पूरा क्लियर करते हैं। चलिए देखते हैं जरा इवेल्युएट और इवेल्युएट में क्या है कंडीशन। तो सबसे पहले एक कर्व बनाते हैं, देखिएगा एक कर्व है, इस कर्व को हम इंडिकेट करते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स। यहां पे एक कर्व, क्लियर? और इस कर्व पर हम पॉइंट लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट पी नॉट, पी वन, पी टू, पी थ्री, डॉट 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 पी एन। क्लियर? मैंने इस कर्व पे बहुत सारा पॉइंट दिया है, क्लियर? अब इस पॉइंट, इस कर्व का हम कुछ सेंटर भी टर्म लेते हैं, क्लियर? इस तरह से सेंटर को इंडिकेट कर रहे हैं, जो सेंटर का इंडिकेट सी नॉट से कर सकते हैं, ये सी वन हो जाएगा और ये सी टू हो जाएगा, इस तरह सी थ्री, सी थ्री, सी एन, क्लियर? और ये सभी सेंटर को हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है? सभी सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो एक नया कर्व के रूप में तैयार होगा, क्लियर? इस तरह से। तो इस कर्व को हम ज्वाइन किया और इसका हम रेडियस जो है ना, हम देखिए सी नॉट जो है सेंटर है और इसका हम रेडियस इससे हम सेट करेंगे पी नॉट से। सी वन का रेडियस ये है और इसका रेडियस जो है पी टू है, सी थ्री का रेडियस इससे है और सी एन का रेडियस पी एन से। लेकिन इसमें रेडियस जो है ना एक जैसा नहीं है, यानी सेम नहीं है, सबका रेडियस चेंजिंग है, कुछ है इसका, कुछ है इसका, कुछ है इस तरह से। और सभी जो है सेंटर को ज्वाइन किया है इसको लोकस को, तो एक नया कर्व तैयार हुआ है और उस कर्व को इवेल्युएट बोलेंगे। इसी कर्व को हम इवेल्युएट का टर्म नाम देंगे इवेल्युएट, क्लियर? चलिए तो हम इसमें थोड़ा सा इस फिगर में लिखा है, अब इसका थोड़ा सा डिफिनेशन के रूप में आप यहां पे लिख देते हैं। इसके क्या है डिफिनेशन, ऊपर में देखिए डिफिनेशन का फॉर्म, चलिए थोड़ा सा लिख देते हैं। चलिए मैंने डिफिनेशन लिखा है क्या, द लोकस, देखिए मैंने डिफिनेशन क्या लिखा है, द लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व इज कॉल्ड इवेल्युएट एंड दैट गिवन कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स इज इवेल्युएट ऑफ इट्स इवेल्युएट। यानी देखिए इसका, इस कर्व का ये जो सेंटर है इवेल्युएट कराएगा और सभी सेंटर को जब ज्वाइन किया जाएगा तो एक कर्व का निर्माण होगा और एक कर्व जो है ना इस कर्व के लिए क्या हो गया, इवेल्युएट हो गया। यानी इसको हम इवेल्युएट बोलेंगे और इसको कर्व क्या बोलेंगे, इवेल्युएट बोलेंगे। यानी इस कर्व के लिए इवेल्युएट ये हो गया और ये सेंटर को जब ज्वाइन किया गया तो इस सेंटर ज्वाइन करने के बाद एक कर्व का निर्माण होगा, तो इस कर्व के लिए इनवेल्युएट ये कहला जाएगा, क्लियर? अब यहां पे हम लिख सकते हैं, देखिएगा द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व, यानी जो भी है सेंटर को ज्वाइन किया गया इस सेंटर को हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर? सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम बोल सकते हैं इवेल्युएट बोल सकते हैं इवेल्युएट, क्लियर? तो यहां पे हम टर्म में इवेल्युएट और इनवेल्युएट दोनों का टर्म इस फिगर में पचल गया है कि इस फॉर्म को इवेल्युएट बोलेंगे, इस कर्व को जब सेंटर को ज्वाइन किया गया, इस इवेल्युएट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं। जब भी क्वेश्चन दिया जाए कि फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर या तो इवेल्युएट, तो समझ जाइए कि एक ही टर्म में सेव कर रहे हैं और इस कर्व को ये है इनवेल्युएट, क्लियर? चलिए तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन लिख देंगे कि सी नॉट, सी वन, सी टू, सी थ्री, ईडीसी, सी एन आर सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर? थोड़ा सा लिखते हैं, देखिएगा स्टार मार्क आप लिख दीजिएगा, ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, फिर इसके बाद आगे हम तक पढ़ेंगे।
सी नॉट कॉमा सी वन कॉमा सी टू सी थ्री डॉट 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 सी एन सी एन आर सेंटर ऑफ कर्वेचर आर सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसके बाद देखिएगा इसमें और एक टर्म है, एक और स्टार मार करके कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक्स बार और वाई बार से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो लिखेंगे इफ एक्स बार कॉमा वाई बार वी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम एक्स बार और वाई बार से इंडिकेट कर सकते हैं या एक्स डैश वाई डैश भी शॉर्ट में पढ़ सकते हैं। चलिए तो देखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर वी द सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर, तो एक्स बार और वाई बार से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ जो है ना एक्स बार और वाई बार का फॉर्मूला है जो हम यहां पे इंडिकेट कर रहे हैं कि एक्स बार का क्या होगा फॉर्मूला किसके बारे में। देखिएगा एक्स माइनस जो अभी फॉर्मूला लिख रहे हैं एक्स माइनस डी वाई डी एक्स वन प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डबल डेरिवेटिव एस। क्लियर, ये हो गया क्या एक्स बार का फॉर्मूला। और हम वाई बार का ही फॉर्मूला लिख सकते हैं, लिखिएगा यहां पे वाई बार का ही फॉर्मूला होता है, वाई बार का फॉर्मूला होगा वाई प्लस वन प्लस देखिएगा वाई प्लस वन प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डबल डेरिवेटिव का स्क्वायर, या लिख सकते हैं इस तरह से डबल डेरिवेटिव का स्क्वायर। क्लियर है, इसको इसमें एक और हम टर्म में लिख सकते हैं साइड से जरा देखिएगा, इसी को इस फॉर्म को लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई वन और वन प्लस वाई वन का स्क्वायर अपॉन वाई टू। क्लियर, यानी हम वाई वन जो लिखते हैं ना वो क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव का इंडिकेट और वाई टू है सेकंड डेरिवेटिव का इंडिकेट, वो हम लिख देंगे साइड में। फिर यहां भी लिख सकते हैं ऐसे वाई प्लस वन प्लस वाई वन का स्क्वायर और वन यहां पर लिख देंगे क्या वाई टू। क्लियर, जहां यहां पर हम टर्म लिख सकते हैं वेयर वेयर वाई वन को हम लिख सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, क्लियर है, और वाई टू को लिख सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव का इंडिकेट, जो सब बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए फॉर्मूला हो गया जिसको हम इवेलुएट का भी नाम से इंडिकेट कर सकते हैं, एक्स बार का फॉर्मूला और वाई बार का फॉर्मूला। क्लियर, क्लियर हो गया, तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला। हालांकि ये फॉर्मूला का अगर चाहेंगे तो इसको प्रूफ भी कर देंगे, ठीक है, तो अगर है कि अगर विद्यार्थी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर इसका कमेंट करके बोलिएगा प्रूफ करने के लिए। तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का एक्स बार और वाई बार को हम प्रूफ करके बता देंगे ताकि विद्यार्थी को डाउट नहीं रहे, लेकिन जो भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स विद्यार्थी है ठीक है तो उनका प्रूफ नहीं आएगा, इस पर क्वेश्चन निकालने के लिए आएगा कि फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर या फाइंड द इवेलुएट। क्लियर, तो डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूला के माध्यम से। क्लियर, और अगर चाहेंगे कि सर ये आया कैसे तो इसको हम प्रूफ भी नेक्स्ट वीडियो में कहिएगा तो उसका इस पर भी वीडियो बना करके इस पर क्लियर कर देंगे। चलिए तो यहां पर लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ द कर्व, द इक्वेशन ऑफ द कर्व लास्ट में द इक्वेशन ऑफ द कर्व द इक्वेशन ऑफ द कर्व। क्लियर, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए फॉर्मूला याद रखा है एक्स बार का एक्स माइनस डी वाई डी एक्स इंटू वन प्लस डी वाई डी एक्स का स्क्वायर अपॉन डबल डी सी, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई वन इंटू वन प्लस वाई वन का स्क्वायर अपॉन वाई टू और वाई बार बराबर वाई प्लस वन प्लस डी वाई डी एक्स का स्क्वायर डबल डेरिवेटिव इक्वल्स टू वाई प्लस वन प्लस वाई वन का स्क्वायर अपॉन वाई टू। क्लियर, तो याद रखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर का अर्थात इवेलुएट का निकालने का यह फॉर्मूला। अब इसमें
इसका एक वर्किंग रूल क्या है, इसका वर्किंग रूल के बारे में जानकारी देते हैं, इसका वर्किंग रूल कैसे क्वेश्चन रहेगा और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाना है इसके बारे में। चलिए वर्किंग रूल को लिखवाते हैं, चलिए नोट कर लीजिए, इसके बाद वर्किंग रूल की ओर चलते हैं। चलिए इसका थोड़ा सा वर्किंग रूल की ओर चलते हैं, लिखते हैं इसका वर्किंग रूल का पहला टर्म क्या हुआ। देखिए लिखेंगे लेट लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स वी द गिवन कर्व, वी द गिवन कर्व, इसका आपको पहले इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, क्लियर। और जो भी कर्व दिया रहेगा, जो भी कर्व का इवैल्यूएट या सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए रहेगा, तो उस कर्व को इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है और उस कर्व को हम डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट वाला डीसी करना है, फिर उसके बाद सेकंड वाला डीसी करना है। चलिए लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट। अब देखिए इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई वन और इसका आ जाएगा वाई डैश, क्लियर। जो कर्व दिया रहेगा उसको हम डिफरेंशिएट एक बार करेंगे, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, यानी अगेन डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट, और एक बार अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको लिखेंगे क्या वाई टू और इसका डबल डैश, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वाई वन को ऐसे लिख सकते हैं या फिर इस तरह से लिख सकते हैं, क्लियर। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव को वाई वन वाई डैश या डी वाई डी एक्स लिख सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव को वाई टू डबल डैश या डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, क्लियर। ये मैंने दो बार डिफ्रेंशिएट किया है। अब डिफ्रेंशिएट करने के बाद नाउ पुट वाई वन एंड वाई टू इन, पुट वाई वन एंड वाई टू इन एक्स बार और वाई बार, यानी एक्स बार में पुट करना है, एक्स बार का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ एक्स माइनस वाई वन अपॉन वाई वन का स्क्वायर अपॉन वाई टू एंड वाई वन का फॉर्मूला आ जाएगा वाई प्लस वन प्लस वाई वन का स्क्वायर अपॉन वाई टू, क्लियर। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर और वाई वन का फॉर्मूला है जो सामने दिख रहा है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, क्लियर। फिर इसके बाद हम एक टर्म बनाएंगे क्या नाउ इलिमिनेट, यानी जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा और सेकंड डेरिवेटिव आएगा दोनों, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दोनों हम पुट करेंगे एक्स बार में और वाई बार में, पुट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे आगे स्टेप। नाउ इलिमिनेट एक्स फ्रॉम इलिमिनेट एक्स फ्रॉम एक्स बार एंड वाई बार, यानी इलिमिनेट कर देना है एक्स बार और वाई बार, ठीक है। फिर इसके बाद द रिजल्ट इज द लोकस ऑफ एक्स बार एंड वाई बार, यानी जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो एक्स बार और वाई बार के रूप में आएगा, और एक्स बार और वाई बार के रूप में जो भी आएगा उसको रिप्लेस कर देना है, एक्स बार को एक्स में और वाई बार को वाई के रूप में रिप्लेस कर देना है, क्लियर। जल्द देखते हैं, लिखते हैं इसको हम एक लाइन लिख देंगे क्या रिप्लेस, यहां पर लिखते हैं एक लाइन रिप्लेस एक्स बार वाई एक्स एंड वाई बार, यानी एक्स बार जो आएगा उसको एक्स में रिप्लेस कर देना है, चेंज कर देना है, और वाई बार जो आएगा उसको वाई के रूप में रिप्लेस कर देना है।
तब इसका जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, इवेल्युएट ऑफ वाई बस टू एफ एक्स, तो उसको लिख सकते हैं हेंस इवेल्युएट इवेल्युएट ऑफ वाई बस टू एफ एक्स। क्लियर? तो इस तरह से हम इसका वर्किंग रूल है, वर्किंग रूल इस पर एक बार फिर समझा देते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एनी कर्व, उस कर्व को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट को हम बाय वन एफ डैश या डी वाई डी एक्स, फिर उसके बाद एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई टू डबल डैश डबल जरूरी, और वाई वन और वाई टू जो भी डिफ्रेंशिएशन आएगा वो एक्स बार और वाई बार में पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद जो भी इक्वेशन दिखेगा, जो भी इक्वेशन दिखेगा उस इक्वेशन में प्रयास करना है कि एक्स बार और वाई बार को इग्नोर करके उसको रिप्लेस करना है, एक्स को एक्स बार को एक्स के रूप में और वाई बार को वाई के रूप में, और जो भी इक्वेशन तैयार होगा वो तुम्हारा इस तरह से इवेल्युएट तैयार हो जाएगा। क्लियर? इसको बोल सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए तो हम इस पर क्वेश्चन दिखाते हैं, इस पर क्वेश्चन कैसे रहेगा तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए पूरा तरीका से, आगे इस पर क्वेश्चन चलता है, देखिएगा। और ये भी है कि एक चीज ध्यान रखिएगा कि जहां पे अगर समझ में नहीं आया उसको थोड़ा सा रिपीट करके देख सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो इसका भी और भी हम डिटेल से जानकारी नेक्स्ट क्लास में दे सकते हैं। ठीक है? चलिए तो ठीक है, देखते हैं इस पर क्वेश्चन भी, और जहां पे समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए एक क्वेश्चन मैंने दिया है, और ये खास करके बीटेक के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंजीनियरिंग विद्यार्थियों के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी मैंने वर्किंग रूल बताया है इस थ्योरी के लिए, थोड़ा सा देखना है इस क्वेश्चन पर कि क्या है इसका। लिखा है क्वेश्चन में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इवेल्युएट ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई। इस क्वेश्चन को एक तरीका से और है पूछने का, लिखा है कि फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका लिखा है, और इवेल्युएट यानी चाहे तो लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दे या इवेल्युएट बोल दे ऑफ द पैराबोला, पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई, यानी एग्जाम में चाहे तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए या इस तरह से, दोनों क्वेश्चन का कहानी एक ही है। क्लियर? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम एक काम क्या करते हैं कि जो भी है कर्व उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो भी मैंने वर्किंग रूल में लिखवाया है। क्लियर? तो चलते हैं इसका पहला टर्म से। चलिए देखिए सबसे पहले गिवन कर्व इसका सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप, जो भी विद्यार्थी को प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि क्या है इसका कहानी गिवन कर्व। और अगर विद्यार्थी को पढ़ाई समझ में आ रहा है वो जरूर से जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें विद्यार्थियों को। एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई। क्लियर? अब इसमें सबसे पहले तो जो कर्व दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई, उसका हम पहले फोर को ये साइड में डिवाइड करें, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन फोर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन फोर जो सामने दिख रहा है। अब ये कर्व है इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डिफ्रेंशिएट किया गया जिसको बोल सकते हैं बाई वन, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंस क्या हो जाएगा टू एक्स, और कॉन्स्टेंट टर्म बाहर जिसको लिख सकते हैं एक्स वाई टू। ये सभी को पता है डिफ्रेंसिएशन, एक्स स्क्वायर बाई फोर है ये कॉन्स्टेंट टर्म बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर का डिसी टू एक्स होता है, बाई फोर कटेगा तो बचेगा एक्स वाई टू। ये फर्स्ट वाला डेरिवेटिव है। देखिए डिफ्रेंसिएशन सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना होगा, ये सभी जो है ना अपने पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, यानी इलेवन ट्वेल्व में ही पढ़ चुके हैं, और इसका यूज बहुत ज्यादा है क्योंकि अभी मैंने इंजीनियरिंग का सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किया है इवेल्युएट एंड इनवेल्युएट, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ये मॉड्यूल फर्स्ट में ही है, ये प्रत्येक ब्रांच में पूछे जा रहे हैं, ये जो है ना पढ़ना है, थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लेंगे तो ज्यादा बढ़िया भी हो जाएगा, और इस तरह से हम बेसिक से इसका नॉलेज देते जा रहे हैं। ठीक है? ये अनेक यूनिवर्सिटी में ये सिलेबस है, यानी सभी यूनिवर्सिटियों में ये सिलेबस दिया गया है, थोड़ा समझना। चलिए इसका फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिगेट, तो देखिएगा वाई टू होगा और एक्स वाई टू का डिफ्रेंसिएशन वन बाई टू हो जाएगा जो सभी विद्यार्थी दिख रहा होगा वाई टू। क्लियर? अब तो ये सभी को तो पता चल गया कि वाई वन और वाई टू का डिफ्रेंशिएट,
अब हम देखिए इसके बाद फिर रूल लिखा हुआ था विनोडाइट, विनोडाइट एक्स बार का एक फॉर्मूला होता है, एक्स बार का एक्स माइनस वाई वन अपॉन इंटू वन प्लस वाई वन का स्क्वायर अपॉन वाई टू। अभी मैंने एक्स बार का और वाई बार का दोनों फॉर्मूला लिखवाया था, मैंने वर्किंग रूल नहीं बताया कि जो भी डिफरेंशिएट करके आएगा फर्स्ट बार और सेकंड बार एक्स बार और वाई बार में एक एक करके पुट करना। तो देखिए थोड़ा सा हम पुट कर रहे हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, जहां पे अगर डॉट हो या जहां पे माइनस प्लस छूट जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है कि यहां पे ये छूट गया है, उस चीज को अगली बार अच्छा से समझाया जाएगा और लिखा भी जाएगा, क्लियर। और देखिएगा इसमें मैंने क्या कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। तो वाई वन को हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन टू, और यहां y1 है तो x1 का स्क्वायर y4 आ जाएगा, क्लियर। क्योंकि y1 को यहां है जिसको हम x y2 का स्क्वायर करके x स्क्वायर y4 हो जाएगा, और y2 है तो y2 मैंने कितना जाएगा 1 by 2 हो जाएगा, क्लियर है। जिसमें से एक चीज तो फ्रेश है कि यहां पे कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद जरा यहां पे साइड में लिखते हैं, क्या लिखते हैं जरा देखिएगा, इसका साइड क्या है, एक्स बार बराबर लिख सकते हैं क्या क्या कि x माइनस जो x बचा है x को हम दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जहां लिखा है x माइनस x के पावर 3 बाई 4 जिसमें से ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस x क्यूब बाई 3 4 ये आ गया x बार का वैल्यू, क्लियर। तो इस तरह से हम टर्म को सेट कर सकते हैं जो सामने सही विद्यार्थी को दिख रहा है, क्लियर है। चलिए तो हम इसमें ये आ गया x बार का फॉर्मूला, यानी x बार का वैल्यू के रूप में जो सामने दिख रहा है। चलिए अब इसी तरह से हम y बार का वैल्यू निकालते हैं, y बार के क्या फॉर्मूला होता है इसके बारे में, तो y बार के लिखिएगा y बार का अगेन y बार के लिए होता है y प्लस वन प्लस वाई वन का स्क्वायर अपॉन वाई। अभी मैंने इस फॉर्मूला को लिखवाया था x बार और y बार के लिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना है ये फॉर्मूला है या नहीं। अब इसमें हम एक चीज और देखना चाहेंगे कि y का वैल्यू यहां से हम पुट कर देते हैं, देखिए x स्क्वायर y 4 और देखते हैं 1 प्लस y 1, तो y 1 को यहां पे x y 2 है तो x स्क्वायर y 4 यहां भी आ जाएगा, और फिर y 2 का वैल्यू जो है यानी y 2 मेरा 1 by 2 है जिसको मैंने यहां पे सेट कर दिया, क्लियर है। अब इसमें तो एक टर्म और सेट कर सकते हैं, कैसे जरा देखिएगा, इसका सॉल्यूशन करना है तो सॉल्यूशन करना है तो हम सेपरेट डिवाइड भी कर सकते हैं, देखिए कैसे 1 अपॉन 2 प्लस x स्क्वायर y 4 अपॉन 1 by 2, क्लियर है। तो इस तरह से देख लीजिए जरा थोड़ा ध्यान से, इसमें हम x स्क्वायर y 4 और ये 2 चला जाएगा ऊपर, ये कटेगा यहां से 2 आगे तो बचेगा x स्क्वायर y 2। अब ये दोनों को हम ऐड करते हैं और ये 2 है जो सही रह गया, जब ये दोनों को ऐड करेंगे x स्क्वायर y 4 प्लस x स्क्वायर y 2 तो इसका आ जाएगा कितना आएगा 3 बाई 4 x स्क्वायर, यानी आ गया y बार का ये वैल्यू, क्लियर। तो यहां तक सभी विद्यार्थी को समझ आ ही गया हो, और जो भी डॉट है जो भी किसी प्रकार का कनेक्शन टूट रहा है तो विद्यार्थी जरूर से जरूर कमेंट करेंगे ताकि उस कमेंट बॉक्स में से हम देख करके उस चीज को समझाएं पुनः थोड़ा ध्यान से। अब इसमें देखिएगा ये प्लस में है इधर माइनस में है, वाई बार माइनस टू इक्वल टू 3 बाई 4 एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब इसको हम देखिएगा इसको ऐसा सोल्यूशन करना है ताकि एक्स बार का वैल्यू इसमें हम पुट कर दें और पुट करने के बाद एक नया इक्वेशन तैयार कर दें, और जो इक्वेशन आए एक्स बार और वाई बार में उस एक्स बार और वाई बार को रिप्लेस कर देना है एक्स और वाई के रूप में। चलिए तो देखते हैं, तो सबसे पहले इसको हम एक काम करते हैं कि दोनों तरफ क्यूबिंग कर देते हैं, क्यूबिंग देखिएगा क्यूबिंग बोथ साइड। अब दोनों तरफ क्या कर रहे हैं क्यूबिंग कर रहे हैं, और क्यूबिंग करने के बाद देखिए अब कुछ नया टर्म बनेगा कि नहीं बनेगा ये देखना होगा। तो यहां पे से दोनों तरफ क्यूबिंग किया जा रहा है, तो क्यूबिंग करने के बाद 3 बाई 4 एक्स स्क्वायर का पावर 3 जो सामने से विद्यार्थी को दिख रहा है, क्लियर देखिएगा। चलिए क्यूबिंग किया गया है, थोड़ा सा हम इसको साइड में लिख देते हैं, प्रयास करते हैं यहाँ पे सेट करने का ताकि जो है ना हो सके, हाँ इतना भी तो अच्छी जाना चाहिए।
देखिए अब क्यूबिंग किया गया है तो वाई बार माइनस टू का होल क्यूब इक्वल्स टू यहां पे थ्री के पावर थ्री तो आ जाएगा यहां पे एक मिनट यहां पे थोड़ा सा साइन कर रहा है इसको और नीचे लिखते हैं वाई बार माइनस टू का पावर थ्री। हाँ अब इसमें लिखे क्या यहाँ पे थ्री के पावर थ्री आ जाएगा 27 और आ जाएगा 64 और एक्स के पावर आ जाएगा 6 जो सामने दिख रहा है। क्लियर है। अब इसमें हम एक काम क्या कर सकते हैं इसको और हम बढ़ाते हैं ताकि जो है ना सही सेट हो सके और क्लियर भी हो सके। यहाँ 27 बाई 64 और यहाँ पे एक्स के पावर 3 के पावर 2। क्लियर है। ऐसे सेट करिए यानी 6 को लिख सकते हैं ऐसे वाई बार माइनस 2 के पावर 3 माइनस इक्वल्स टू 27 बाई 64 और एक्स क्यू का वैल्यू यहां से हम थोड़ा सा निकालेंगे। एक्स क्यू का वैल्यू थोड़ा सा यहां पे जो दिख रहा है इससे हम थोड़ा निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे ये 4 को ये साइड डिवाइड कर देंगे तो 4x बार बराबर आ जाएगा माइनस एक्स क्यू यानी लिख सकते हैं यहां से एक्स क्यू इक्वल्स टू माइनस 4x बार। क्लियर। तो यहां पे हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं इतना का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं एक्स क्यू का लिखा है क्या माइनस 4x बार और पावर में क्या है 2 यानी एक्स क्यू का वैल्यू ही आ गया। क्लियर। अब इसमें जरा देखेंगे इसका क्या हुआ कंडीशन तो यहां पे आया कितना वाई बार माइनस 2 के पावर 3 और ये हो गया 27 बाई 64 और ये हो गया 16 एक्स बार का स्क्वायर ये कट जाएगा तो वाई बार माइनस 2 के पावर 3 और ये 27 ये कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना 4 एक्स बार का स्क्वायर। क्लियर है। तो इस तरह से मेरा टर्म जो आया है इक्वेशन का जो सामने दिख रहा है अब इसमें हम एक क्या बताएंगे कि जो भी वैल्यू आया है उसको अब हम वाई बार और एक्स बार उसको हम रिप्लेस कर देंगे एक्स बार और वाई बार के रूप में यानी एक्स और वाई के रूप में रिप्लेस करेंगे। तो यहां लिखेंगे एक लाइन क्या द लोकस यहां पर लिखेंगे यहां लिखेंगे वाई बार रिप्लेस ऐसे देते हैं रिप्लेस वाई वाई एंड एक्स बार वाई एक्स यानी वाई बार को स्थान पर वाई लिख देते हैं। क्लियर। और यहां पे 27 बाई 4 एक्स बार के स्थान पर एक्स और स्क्वायर है तो स्क्वायर। क्लियर। तो इस तरह से मेरा ये इक्वेशन तैयार हो गया इवेल्युएट का यानी लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं या इवेल्युएट भी बोल सकते हैं। क्लियर। तो एक लाइन लास्ट में लिख देंगे क्या क्या लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इवेल्युएशन दिस इज द रिक्वायर्ड This is the required equation of evaluate. क्लियर। तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं evaluate यानी कोई कर्व का इवेल्युएट का इक्वेशन निकालने के लिए मैंने ये सामने पूरा प्रक्रिया मैंने यहां पे दिया वर्किंग रूल जैसे जैसे मैंने बताया था उस तरह से बस करना कुछ नहीं है जो भी कर्व दिया हुआ है उस कर्व को हम क्या क्या है कि डिफरेंशिएट एक बार और दो बार और एक्स बार और वाई बार में वैल्यू मैंने पुट किया है फर्स्ट डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव को पुट करने के बाद मैंने देखा क्या कि एक दूसरे का वैल्यू निकाल के फिर इसमें मैंने पुट किया जो इक्वेशन आया है एक्स बार और वाई बार में आ गया तो एक्स बार और वाई बार जो आया है उसको रिप्लेस कर दिया हमने लास्ट में एक्स और वाई के रूप में और जो आएगा दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इवेल्युएट। क्लियर। चलिए तो अब जरा हम एक इस पर एक क्वेश्चन और दिखाते हैं कि और भी क्वेश्चन कैसे रहेगा और अब जो क्वेश्चन दिखाते हैं वो तुम लोग के इंजीनियरिंग के एग्जाम में यानी आलबर्ट यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो देते हैं सामने देखिएगा वो 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ है इवेल्युएट निकालने के लिए।
चलिए नोट कीजिए इसको, अगर जहां भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्लियर, ताकि उसको हम और भी क्लियर कर सके नेक्स्ट वीडियो में। देखिए एक क्वेश्चन है, जो एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी यानी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है AKU, क्लियर, ये 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इनहेरिट ऑफ कर्व y² = 4ax, और इस तरह से पूछ सकते हैं फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोल सकते हैं इवेल्युएट ऑफ द पैराबोला y² = 4ax, क्लियर। तो जरा देखते हैं इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, ये बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिर्फ इंजीनियरिंग के एग्जाम में नहीं और भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा देखते हैं इस पर आप क्वेश्चन क्लियर करते हैं। सॉल्यूशन गिवन कर, इस क्वेश्चन को दो तरीका से पूछा सकता है, क्लियर, और अगर विद्यार्थी को मेरा प्रहारी पूर्ण रूपेणा समझ में आ रहा है तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी विद्यार्थियों को भविष्य बन सके। y² = 4ax, देखिएगा इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे 2y/dx, ये सभी विद्यार्थियों को डिफ्रेंशिएशन क्लियर होना चाहिए, y² का डीसी 2y/dx और 4ax का डीसी 4a, क्लियर है, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2r में, तो dy/dx इसको हम ये डिवाइड करेगा तो 2a/y, क्लियर, जिसको हम y1 से इंडिकेट कर सकते हैं, इसको हम y1 से लेके यहां पे लिख सकते हैं कि ये y1 आ सकता है, लेट, क्लियर है। फिर ये जो आया है इसको एक बार और हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, देखिएगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देखिएगा इसको हम y2 लिख सकते हैं और इसका हम डिफ्रेंशिएट किया गया है तो इसका कॉन्स्टेंट पार्ट बाहर और 1/, सुनिए ध्यान से यहां पर लिखेंगे, यहाँ पे 1/y कड़ी से -1/y² dy/dx, क्लियर, ये इसका डीसी आ गया। अब ये डीसी कैसे आया जरा सुनिएगा, हम साइड से डिफ्रेंशिएट करके हम बता देते हैं, जैसे अगर 1/y का डिफ्रेंशिएट करना है तो इसका डिफ्रेंशिएट का तरीका क्या है कि -1/y² dy/dx, जिसको चैनल रूप से टर्म को हम सेट कर सकते हैं डायरेक्ट रूप में, क्लियर, तो जरा देखते हैं इसका पूरा कहानी क्या क्या होगा, यानी -2ay² और dy/dx के वैल्यू सामने निकाल चुके हैं, इसको हम पुट कर देंगे, देखिए पुट करेंगे क्या, यानी 2a/y, जिसको लिख सकते हैं डबल डेरिवेटिव के रूप में -4a² / y, क्लियर, तो ये आ गया सिंगल डेरिवेटिव, ये आ गया डबल डेरिवेटिव, और सिंगल डीसी और डबल डीसी दोनों का वैल्यू हम पुट करेंगे एक्स बार और वाई बार, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं इवेल्युएट के फॉर्मा के रूप में, क्लियर, तो ये दोनों यहाँ पे डबल डीसी और सिंगल डीसी दोनों समझ में आ ही गया होगा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर का पूरा टर्म जो चलते हैं जब देखते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं ऊपर से क्वेश्चन अब पूरा को मिटाते हैं, अब एक एक करके समझाएंगे पूरा डिटेल से। चलिए देखिएगा अब एक्स बार और वाई बार इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे कैसे जब देखते हैं, एक्स बार में क्या करेंगे कि x - y1 y1 into 1 plus y1 square upon y2, क्लियर, x - y1, y1 का मतलब ये लिखा हुआ है 2a/y 1 plus, इसको भी पुट करेंगे तो पुट करने के बाद देखिए आप 2a/y² और y2 मेरा क्या है, ये है y2, इसको पुट कर दे पूरा को 4a² y³, क्लियर है। अब इसको हम सॉल्यूशन पूरा करेंगे एक एक करते जरा देखिएगा, यहां पे 2a/ इतना और 1 plus 4a² y² और यहां आया -4a/q, देखिएगा ये ध्यान रखिएगा कि y1 का डेरिवेटिव इतना आया है और y2 का इतना आया, ताकि हम y' में पुट करें, y1 में भी पुट करना होगा ये चीज, क्लियर, थोड़ा सा मिटाते हैं क्योंकि जगह नहीं है।
देखिएगा अब इसका क्या है, तो थोड़ा हम इसका एलसीएम लेते हैं। देखिएगा एक्स माइनस टू ए अपॉन वाई, एलसीएम आएगा वाई स्क्वायर प्लस फोर ए एक्स डिवाइड माइनस फोर ए स्क्वायर वाई क्यू। अब यहाँ पे वाई इंटू वाई स्क्वायर से वाई क्यू कैंसिल हो जाएगा ये पूरा टर्म, तो जो बचा है अच्छा इसमें से टू से भी कैंसिल हो जाएगा और ए से भी कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा कैंसिल करने के बाद क्या बचा है, देखिएगा यहाँ बचा है क्या कि वाई स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर डिवाइड यहाँ बचेगा टू बचेगा, यहाँ टू बचेगा तो यहाँ पे माइनस टू ए, ए भी बचेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे एक काम और क्या कर सकते हैं, एक काम और क्या कर सकते हैं कि वाई स्क्वायर का वैल्यू जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था उसको हम पुट कर देंगे, वाई स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे फोर ए एक्स, इसको हम यहाँ पे पुट करके दिखाते हैं। देखिएगा फोर ए एक्स प्लस फोर ए स्क्वायर और माइनस 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 क्या जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा क्या टू आ जाएगा। क्लियर है, इसको हम साइड में और बीच का सॉल्यूशन करके दिखाते हैं ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। क्लियर, देखिएगा यहाँ पे आ रहा है एक्स बार बराबर एक्स बार। क्लियर, देखिएगा एक्स बार के लिए लिख सकते हैं एक्स प्लस, अब यहाँ पे फोर ए दोनों से कॉमन कर लेते हैं तो फोर ए कॉमन कर लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, एक मिनट टू ए कॉमन करते हैं क्योंकि टू ए नीचे है तो कॉमन करने से कैंसिल हो जाएगा, तो टू एक्स, टू एक्स प्लस टू ए अपॉन टू ए। देखिएगा अब यहाँ पे टू ए को मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा लगता है कि वहां पे साइन कर रहा है इसीलिए अब यहाँ पे लिखेंगे नहीं, इसको और नीचे लिख देते हैं एक्स वाई बराबर एक्स प्लस टू ए कॉमन करेंगे टू एक्स प्लस टू ए। क्लियर, यहां बचेगा टू ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ क्या है एक्स प्लस टू एक्स और यहाँ पे टू ए और यह आ जाएगा एक्स वाई बराबर क्या हुआ थ्री एक्स प्लस टू ए। क्लियर, इस तरह से मेरा एक टर्म का सॉल्यूशन आया है जो सामने दिख रहा है। क्लियर है, यानी एक्स बार बराबर थ्री एक्स प्लस टू आया है, एक्स बार क्या मैंने निकाला, अब एक्स बार तो निकाल लिया अब वाई बार भी निकालेंगे। क्लियर, तो इसको मिटाने के बाद इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद वाई बार की ओर चलते हैं। चलिए नोट हो गया, चलिए वाई बार का फॉर्मूला होता है क्या, देखिएगा y प्लस वन प्लस वाई वन का स्क्वायर अपॉन वाई वन का स्क्वायर अपॉन वाई टू। और देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा हम याद करते हैं कि वाई वन और वाई टू का वैल्यू मैंने क्या निकाला था, तो वाई वन का वैल्यू शायद निकाले होंगे टू ए वाई, टू ए वाई, टू ए अपॉन वाई, और वाई टू का वैल्यू निकाले होंगे उसी का डिफ्रेंशिएट करके माइनस फोर ए, माइनस फोर ए स्क्वायर और शायद वाई स्क्वायर या वाई क्यू होगा। क्लियर, तो जरा देखते हैं इस पूरा प्रक्रिया को कि क्या आता है इसका पूरा कंडीशन, माइनस फोर ए स्क्वायर वाई क्यू। क्लियर, चलिए तो ये हो गया, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं पूरा टर्म के लिए। देखिएगा वाई प्लस वन प्लस वाई वन को लिख सकते हैं टू ए अपॉन वाई का स्क्वायर और वाई टू माइनस फोर ए स्क्वायर वाई क्यू। क्लियर है, चलिए तो अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन का प्रक्रिया पुनः स्टार्ट हुआ, तो क्वेश्चन के साथ जब देखते जाएं कि कैसे कैसे सॉल्यूशन हुआ एलसीएम के साथ। देखिएगा अब इसका एलसीएम होगा यहाँ पे वन और वाई स्क्वायर का एलसीएम वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर और पूरा का डिवाइड माइनस फोर ए स्क्वायर वाई क्यू। क्लियर, वाई प्लस अब यहाँ पे एक से तो एक कैंसिल हो जाएगा जो है तो एक वाई बचेगा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है वाई स्क्वायर का वैल्यू तो हम पुट कर सकते हैं इसमें, लेकिन ऐसा करते हैं कि एक वाई ऊपर चला जाएगा उसको लिख देते पहले वाई स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर और इसमें बचा क्या माइनस फोर ए स्क्वायर। क्लियर है, अब वाई स्क्वायर का वैल्यू तो पुट कर ही सकते हैं ना, देखते हैं वाई स्क्वायर का वैल्यू पुट करते हैं, हालांकि ये काम कर सकते हैं और वाई दोनों में से कॉमन भी कर सकते हैं, तो बचेगा वन प्लस
और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उसको लिख देते हैं और बचा हुआ क्या वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर फोर करते क्या फोर ए एक्स प्लस फोर ए स्क्वायर और ये फोर ए स्क्वायर है, क्लियर है, इसको मिटाते हैं यहां से। चलिए देखिएगा यहां भी फोर ए कॉमन कर लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा वाई वन बचेगा एक्स प्लस ए बाई यहां बचेगा ए। अब यहां पे दोनों को सेपरेट डिवाइड करें वाई इंटू वन एक्स अपॉन ए और एक्स बाई ए तो वन वन बच जाएगा माइनस वन और माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो तो माइनस एक्स बाई ए बचेगा, माइनस एक्स बाई ए बचेगा, क्लियर। तो देखते हैं माइनस एक्स बाई ए बचा है उसको लिख देते हैं यहाँ पे तो दिखेगा सभी को कोई डॉट नहीं, हाँ वाई इंटू माइनस एक्स बाई ए, क्लियर। उससे अब जरा साइड में चलेंगे देखते हैं उसको मिटाने के बाद। चलिए तो देखते हैं इसको हम बनाते हैं यहां से बनाते हैं, ठीक है ना, देखिएगा यहां से और इसमें हम क्या करते हैं कि y का वैल्यू पुट करते हैं। देखिए ये y है इसको स्क्वायर पे इधर ले आएंगे तो y बराबर लिख सकते हैं टू रूट ए और रूट एक्स, इसके यहां पे हम पुट करते हैं। देखिएगा वाई बार में पुट करेंगे वाई का वैल्यू टू रूट ए रूट एक्स पुट करते हैं। देखिए टू रूट ए रूट एक्स इंटू माइनस एक्स बाई ए, क्लियर है ये। अब कुछ तो कैंसिल होगा, अब कुछ कैंसिल क्या हुआ कि रूट को रूट ए बार में कैंसिल कर सकते हैं और रूट एक्स और एक्स मिल के आ जाएगा कितना टू तो ठीक रहेगा माइनस रहेगा एक्स से पावर आएगा थ्री बाई टू और डिवाइड में क्या आ गया रूट ए ना, यहाँ पे रूट ए आ जाएगा रूट ए आ गया, ये आ गया वाई बार बराबर। अब इसमें हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे कुछ टर्म बनेगा, देखिएगा स्क्वायरिंग कर रहे हैं स्क्वायरिंग किया जाएगा तो वाई बार का स्क्वायर और यहां माइनस टू एक्स के पावर थ्री बाई टू रूट ए के पावर टू स्क्वायरिंग किया गया है। अब स्क्वायरिंग करने के बाद कुछ टर्म बनेगा देखिएगा, हालांकि इसको मिटा देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि वाई बार का स्क्वायर है तो माइनस टू का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, ये टू और टू कैंसिल होगा तो बचेगा सिर्फ एक्स के पावर थ्री और रूट से स्क्वायर भी कैंसिल बचेगा क्या ए बचेगा, क्लियर। तो ये जो टर्म है ए आ रहा है और यहां से एक्स क्यू का वैल्यू भी कुछ पता करना होगा तो एक्स क्यू का वैल्यू हम निकालेंगे यहां का फॉर्म से, ये जो सामने दिख रहा है ना इससे एक्स के वैल्यू क्यू का वैल्यू निकालेंगे। रख में हम बताया थे कि एक्स क्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक्स क्यू का वैल्यू निकालने के लिए कुछ टर्म अपनाना पड़ेगा जो मैंने निकाला था इस फॉर्म से। देखिए एक्स क्यू का वैल्यू निकालने के लिए पहले देखिए तो एक्स बार बराबर थ्री एक्स प्लस टू ए, इसको इधर कर देंगे माइनस टू आ जाएगा थ्री एक्स, इसको मल्टीप्लाई से डिवाइड कर देंगे एक्स बार माइनस टू ए बाई थ्री बराबर एक्स, इसी वैल्यू को पुट करना है। अब इस टर्म को मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए अब यहां पे पुट कर देना है क्या क्या, यहां पे पुट करना है x का वैल्यू x बार माइनस टू ए बाई थ्री और पावर में कितना है पावर में थ्री और जो a जो है डिवाइड में इसको रहने देते हैं a पूरा डिवाइड में a, क्लियर। अब यहां y बार का स्क्वायर है तो यहां क्या जाएगा फोर और यहां थ्री के पावर जो है ना यहां पे ऐसे लेते हैं एक्स माइनस टू ए के पावर थ्री है और थ्री के पावर थ्री ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन आ जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से मेरा आ गया ये इक्वेशन, क्लियर। अब इस इक्वेशन को हम एक टर्म बनाएंगे क्या कि इसको हम रिप्लेस कर देंगे, तो पहले एक काम करते हैं डिवाइड से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं ट्वेंटी सेवन ए वाई बार का स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स बार माइनस टू ए के पावर थ्री, क्लियर है। तो ये इसके बाद हम रिप्लेस कर देंगे किसमें y को y बार में और x को x बार में, लिखिएगा रिप्लेस y बार को y में एंड x बार को x में, देखिए कैसे करें ट्वेंटी सेवन ए वाई स्क्वायर फोर एक्स बार को x में टू ए के पावर थ्री, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इवैल्यूएट, क्लियर। रिक्वायर्ड इवैल्यूएट इक्वेशन, दिस इज द
required, this is the required equation of evaluate. Equation of evaluate. क्लियर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, और ये अगर क्वेश्चन को जानकारी प्राप्त करना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलेंगे, और जहां भी डाउट हो क्वेश्चन में उस क्वेश्चन को जरूर हम बताएंगे। और भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, उस क्वेश्चन को भी सोल्यूशन किया जाएगा, उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा, उस पर क्वेश्चन को क्लियर किया जाएगा। अच्छा, हम एक क्वेश्चन हम बताते हैं, उस क्वेश्चन को जो है ना बना के बताना है, उसका कंप्लीट इक्वेशन का आंसर भी बताना है कमेंट सेक्शन में। जब तक के लिए इसको नोट कीजिए, और भी हम उस पर क्वेश्चन देते हैं जो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। चलिए नोट कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है मेरे तरफ से, जो सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे और सोल्यूशन करके इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर का जवाब देंगे। क्लियर। तो अगर इस क्वेश्चन को सोल्यूशन नहीं होगा, अगर नहीं पता चलेगा, नहीं समझ आएगा, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरा नहीं बना है, इसको हम फिर से सोल्यूशन करेंगे। और अगर जिनको बन जाएगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर इस क्वेश्चन को बताएंगे। चलिए ठीक है, तो फिर नेक्स्ट थ्योरी के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मिलते हैं। और जब तक के लिए जितना बताए हैं उसको अच्छा से नोट्स तैयार कीजिए और अच्छा से बनाइए, रिवीजन कीजिए, और फिर नए थ्योरी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ते रहिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बेस्ट थ्योरी और बेस्ट क्वेश्चन के साथ।